नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एनएस नाउ। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों खबरें चल रही हैं कि भारत में 5G टावर की टेस्टिंग के कारण ही कोरोना वायरस का जो इतना बड़ा प्रकोप है वो तेजी से फैल रहा है और इसी के कारण इस बार पिछली बार की तुलना में अधिक तेजी से मृत्यु हो रही है। व्हाट्सएप पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो लोग बात करते हुए साफ सुने जा रहे हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से बातचीत में कहते हैं कि 5G टावर की टेस्टिंग को बहुत ही गुपचुप तरीके से चलाया गया है और इसे पश्चिम बंगाल में पहले ना करने की बजाय इसे महाराष्ट्र में कर दिया गया पहले, और इसी कारण से इतनी सारी मृत्यु जो है भारत में हो रही है और ये मई के लास्ट में ये सारी मौत जो होनी रुक जाएंगी और भारत से कोरोना वायरस का जो संक्रमण है ये पूरी तरीके से चला जाएगा। भारत में कोरोना वायरस ऐसा कुछ है ही नहीं, बल्कि ये सारी चीज़ें 5G टावर के टेस्टिंग के कारण हो रही हैं। तो क्या है आज इस पूरे दावे की सच्चाई, जो कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन सभी जगहों पर एक फोटो के रूप में, कोई वीडियो क्लिप के रूप में, कोई ऑडियो क्लिप के रूप में वायरल हो रहा है। आज इन सभी दावों का हम आपको बताएंगे तथ्य कि इन दावों के पीछे की सच्चाई क्या है। तो वीडियो के साथ बने रहिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इन नाउ को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली कोई भी न्यूज की अपडेट आपसे छूटे ना। चलिए इस खबर पर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या भारत में होने वाली मौतों के पीछे है 5G टावर की टेस्टिंग। सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि व्हाट्सएप पर जो ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो लोग बात करते हुए सुने जा रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस है ये 5G टावर की टेस्टिंग की वजह से हो रहा है और इस पूरे प्लान को गुपचुप तरीके से रखा गया है ताकि किसी को पता ना चले। इसके बारे में PBI ने जब जाँच की तो PBI को पता चला कि ये जो मैसेज है ये पूरी तरीके से फेक है और इसे एडिट करके किन्हीं दो आदमियों की रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करके अफवाह फैलाने के लिए बनाया गया है। तो इस तरीके से व्हाट्सएप पर फैला जाने वाली जो ये कॉल रिकॉर्डिंग वाली अफवाह है ये पूरी तरीके से गलत सिद्ध हुई है। साथ ही अब हम बात करते हैं कि एक न्यूज़पेपर जैसी कटिंग वायरल की जा रही है और उसमें बताया जा रहा है कि 5G टावर की टेस्टिंग की वजह से कोरोना वायरस का प्रकोप इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसके जवाब में हम ये कहना चाहेंगे कि 5G अन्य देशों में भी है जहां पर कोरोना इतनी रफ्तार से नहीं फैला जितनी रफ्तार से भारत में फैला, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन देशों में 5G पहले से है लेकिन वहाँ पर कोरोना इतनी तीव्रता से नहीं फैला है जितनी तीव्रता से भारत में फैला है। कई देशों में 5G टेस्टिंग की प्रक्रिया भी चल रही है और उन देशों में भी कोरोना भारत की अपेक्षा बहुत ही धीमी गति से चल रहा है और कुछ देश तो ऐसे हैं जहाँ पर 5G पूरी तरीके से स्थायी रूप से चल रहा है और वहाँ पर कोरोना का नामो निशान नहीं है। दोस्तों, कई देशों में 6G की भी प्लानिंग चल रही है, ऐसे में वहाँ पर कोरोना वायरस का संक्रमण ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है और भारत में वायरस का संक्रमण अधिक तेज़ी से फैल रहा है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये विकसित देशों में अधिक होना चाहिए था जहाँ पर 5G पहले से है या फिर 5G को छोड़कर 6G 7G लाने की तैयारियाँ चल रही है, उन देशों में कोरोना वायरस से मौतें अधिक होनी चाहिए थी जबकि भारत में हो रही है। ये दोनों तरीके की जो बातें हैं ये पूरी तरीके से अफवाह सिद्ध हुई हैं। इन अफवाहों की वजह से कोरोना वायरस तेज फैला है ये बात हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि लोग जब इन अफवाहों को सुन रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि 5G टावर की वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है, कोरोना वायरस करके तो कोई बीमारी है ही नहीं, तो वो लोग कोरोना वायरस की जो सावधानियां हैं उनको छोड़कर अपनी फिर से निजी जिंदगी में लौट जा रहे हैं और ऐसा करने से कोरोना वायरस का संक्रमण और भी तेजी से फैल रहा है। तो अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए क्योंकि WHO ने भी इस प्रकार जो दावे किए जा रहे हैं इसका खंडन किया अपनी वेबसाइट पर, तो आप WHO की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। WHO ने बताया है कि 5G टावर से किसी भी प्रकार की कोई रेडिएशन से कोई कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है। कोरोना वायरस एक तरीके का संक्रमण है जो कि लोगों के खांसने, छींकने, छूने से फैलता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली न्यूज वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।